मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जयपुर पहुंचे। सीएम आदित्यनाथ ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सतीश पुनिया के समर्थन में जासू गांव में जनसभा को संबोधित किया। योगी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्हें सुनने वाले लोग तड़के से ही कुर्सियों पर जम गए थे। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी और योगी के मुखौटे पहने हुए नजर आ रहा है। सभा में योगी को सुनने का भारी उत्साह लोगों में दिखाई पड़ रहा था। सभा के दौरान हर तरफ भगवा रंग ही दिखाई पड़ रहा था और योगी मोदी के नारे लगातार लग रहे थे। जैसे ही योगी सभा स्थल पर पहुंचे, जय श्री राम और मोदी योगी के नारों से पूरा समा गूंज उठा। सभा में योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ भाजपा की 100% जीत पक्की है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ हमें परेशानी हुई तो राहुल गांधी की एक रैली हमारी जीत पक्की कर देगी। योगी ने कांग्रेस पर आतंकवाद और नक्सलवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित करवाते रहे। इन्हीं वजहों से देश के युवाओं का सेना से मोह भंग हुआ। कांग्रेस की नाजायज उपज आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार है। आज आमेर में जालसू में महंत आदित्यनाथ जी यहाँ पधारे और मोदी जी के बाद सर्वाधिक दूसरी डिमांड प्रचार की है वो योगी जी की रहती है। हमने कोशिश करी कि हमारे यहाँ आए और वो पधारे और उसके कारण कार्यकर्ताओं में खूब जबरदस्त मनोबल का संचार हुआ और जनता के बीच में भी वो साफ संदेश दे के गए हैं कि अब देश जो है वो विचार के आधार पर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की नीतियों को जनता ने नकार दिया है, इसलिए देश राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ेगा। और इस समय देश के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण वो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए होता था, जिसके कारण इस देश में एक किस्म का असंतुलन पैदा हुआ और इन बातों का उल्लेख उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार, जिसके बारे में कहा गया कि 50 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया और इस तरीके की नीतियों का निर्माण नहीं किया जिससे बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं का हल होता, इसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जिसके कारण लोगों ने कांग्रेस को नकारा। तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार में अनेकों ऐसी नीतियां बनी हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। तो स्वाभाविक रूप से योगी जी सरीखे जैसे व्यक्ति जब किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी बात दमदार तरीके से रखते हैं तो जनता में उसका व्यापक असर होता है। राजस्थान हो या देश, कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक इस देश के अंदर शासन किया। लगभग 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस का शासन था और राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। लेकिन इस देश के 4 महत्वपूर्ण हिंदी बाहुल्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिनसे आज 3 नए राज्य और बने हैं, बिहार से, झारखंड, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, ये 7 जो हिंदी बाहुल्य राज्य हैं, कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस के कुशासन के कारण ये राज्य बीमारू राज्य हो गए थे। यहाँ न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्कूली शिक्षा की व्यवस्था थी, न यहाँ पर स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था थी, न किसानों का उपज का दाम किसानों को मिल पाता था, न नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था थी।